काम उन्होंने कर दिया ना, किसी और विधायक तो कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने देख लिया। ये तो आपके हिसाब से अगली सरकार केजरीवाल सरकार बन रही है? फिर से बने, हमें बहुत खुशी है, हम तो प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान के। यहाँ पानी की समस्या सालों से थी, वो सिर्फ अजय जी ने कराई है। या बिजली की समस्या थी, वो सिर्फ अजय जी ने कराई है। ऐसा भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में जाने से उनकी कुछ छवि खराब हुई है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। समी तो देश को राजा को पटक दिया, जबरदस्ती पटका हुआ है। साथियों, छुपा रुस्तम में आज के हमारे नेताजी हैं अम्बेडकर नगर से विधायक अजय दत्त। यूं तो अम्बेडकर नगर सीट 2013 से ही आम आदमी पार्टी जीतती रही है, मगर अजय दत्त की एंट्री विधानसभा के चुनावी दंगल में साल 2015 में हुई। हालांकि कॉलेज के दिनों में ही अजय दत्त ने छात्र राजनीति का आगाज कर दिया था। साल 1996 में इन्होंने देशबंधु कॉलेज के उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता भी। इससे पहले अजय दत्त ने लगभग 15 सालों तक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में काम किया। अजय दत्त पहली बार सुर्खियों में छाए जब बीआरटी कॉरिडोर का मामला सामने आया। बीआरटी कॉरिडोर वैसे तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाया गया था, मगर इसकी वजह से अम्बेडकर नगर से लेकर डिफेंस कॉलोनी तक भारी जाम रहा करता था और इसी वजह से बीआरटी वहां के रहने वाले लोगों के लिए सरदर्द बन चुका था। अम्बेडकर नगर का विधायक रहते अजय दत्त ने साल 2015 में इसी मसले को दिल्ली सरकार के सामने उठाया और अंततः 2016 में जाकर बीआरटी कॉरिडोर तोड़ दिया गया। आज हम लोगों के बीच में जाकर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि विधायक के तौर पर जनता उनके द्वारा किए गए कामों से आखिर कितना संतुष्ट है। तो चलिए देखते हैं कि अम्बेडकर नगर की गलियों में इस बार राजनीतिक माहौल क्या है। दोस्तों, आज है हम मदनगीर वार्ड में, इसका नंबर है 165 और इस विधानसभा का नाम है अम्बेडकर नगर विधानसभा और वार्ड का नंबर है 165 मदनगिर वार्ड। यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, पूछेंगे कि यहाँ के विधायक अजय दत्त जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है। बारिश अभी रुकी है और जनता थोड़ा जल्दी में होगी बात करने के लिए, शायद रुके ना रुके। तो ये बताओ, बारिश तो अब रुक गई, मौसम बढ़िया हुआ हुआ, चुनावी मौसम क्या है अम्बेडकर नगर में? काम वाम कुछ हुआ है इस विधानसभा में? कौन विधायक हैं, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड है? यहाँ तो अजय दत्त हैं। कैसा काम करते हैं? हमारे लिए तो सही करा है। सही? 10 में से कितने नंबर देने वाले हो आप? 10 में से कितने नंबर दोगे विधायक जी को? हम तो पूरे ही देंगे। क्या काम करे? हमारे लिए तो आज तक नुकसान है नहीं भैया। नहीं, नुकसान नहीं, कुछ काम किया तो वो बताओ। काम तो यही, सच यही है कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे ही रहने दिया। अब ये है, इसके अलावा मैं और कहीं बस इतना, और कोई अपेक्षा नहीं विधायक से? और क्या अपेक्षा करें? नहीं, कोई रोड बनाई हो, कोई सीवर डलवाया हो, कोई अस्पताल बनाया हो, तो कोई मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। अस्पताल तो ये है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं। कभी कराया अपने इलाज वहाँ पे? हाँ, मैं जाती हूँ। कैसा है? दवाई लेने जाती। काम है, होता है वहाँ पे? दवाई वाई मिलती है? डॉक्टर तो सही बैठे हुए हैं। अच्छा, दवाई देते हैं सही। अच्छा, दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरविंद केजरीवाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनना तो चाहिए। आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाने के तम तो है, हमारे लिए तो कोई नुकसान नहीं। पढ़ाई की भी सुविधा, अस्पतालों की भी सुविधा, सब चीज़ की मिली। तो आप लेकिन खुश नहीं लग रही? हाँ, खुश क्या, अब क्या बोल सकते हैं। आज आज गेंदों के फूल में थोड़ी खुशबू कम है क्या? खुशबू तो पूरी है, बारिश में तो मौसम बढ़िया हो रखा। अब तो ये बताओ कि ये जो इतनी भीड़ लग रही है, क्या मतलब कोई फ्री में हो गया क्या? महंगाई बहुत है भैया, महंगाई हो गई। ये यहाँ पे जो इस बार दिल्ली में चुनाव आएगा 6 महीने बाद, उसमें क्या माहौल है? कौन जीत रहा है? केजरीवाल जाएंगे। केजरीवाल ही आएंगे फिर? विधायक जी कौन है यहाँ से? विधायक संजय सिंह। विधायक संजय सिंह है? नहीं, अजय दत्त विधायक है। काम करते हैं जी? काम करते हैं। क्या नंबर दोगे 10 में से? पहले भाऊजी, कितने 10 में से कितने नंबर विधायक को? 10 पूरे देंगे। हमें हमारा कन्वेंस लगता था 500 रुपये कम से कम तो आना जाने का लगता था, वो बच गया है। हमारे को जितने रोड वगैरह हैं क्लियर मिल गए हैं, मार्केट पास में साफ सुथरा है, सबसे मेडिकल वगैरह, मेडिकल और क्या नाम है, जो स्कूल की शिक्षा वगैरह कही ना, ये काम काफ़ी हुए हैं। उसमें क्या है, मतलब हमारे फैमिली, बड़े बुजुर्ग सारे मतलब इसमें खुश हुए हैं। इसमें क्या हुआ है कि हॉस्पिटल से लेके ना, और जो शिक्षा के कार जितने काम हुए हैं वो कोई सरकार नहीं कर पाई, जो इस वक्त करे हैं उन्होंने। हमारे विधायक जी हैं यहाँ से, अजय दत्त जी हैं, कंटिन्यू उन्होंने पूरे प्रयास करे हैं, हॉस्पिटल अच्छा बनवाया है यहाँ पर, मोहल्ला क्लिनिक है। चलो ठीक है, वो कह रहे काम हुआ है। आंटी आपका यहीं पे? अच्छा, ये बताओ प्याज हो गए, आलू हो गए, पैसे दे दिए?
भाई साहब प्याज दो यार, आंटी को तुम देर कर रहे हो यार। प्याज ले लिए भैया, ले लिए। अब क्या चाहिए? आलू कैसे दिए भाई? अरे एक मिनट ये बताओ बस कि यहाँ से विधायक कौन है? अजय। काम कैसा करते हैं? ठीक ठाक। कितने नंबर? 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 ही है। आपने स्वागत किया? हाँ। खुश हो आप? हाँ। काम से? सरकार किसकी बन रही है अगली? अगली पता नहीं। 6 महीने बाद चुनाव है दिल्ली में, देखेंगे। लेकिन जो सरकार इस टाइम पे आई है बहुत ज्यादा वो कर रखा है। क्या बवाल मचा रखा है? इतनी महंगाई मचा रखी है। ये तो किसने मचा रखी, केजरीवाल ने या केंद्र सरकार ने? केंद्र सरकार ने ही मचाया होगा। अच्छा आंटी आपसे बात करें, आपने ले लिया प्याज? कितने नंबर हैं 10 में से विधायक को? 8। 8। काम ठीक किया? सरकार किसकी बन रही है दिल्ली में? नहीं आप किसको वोट डालने वाली हो? केजरीवाल को देती हो पहले से भी? काम ठीक किया? दो तीन काम बता दो कुछ। क्यों काम? टॉयलेट वगैरह अच्छा बनाया है, हॉस्पिटल वगैरह अच्छा बनाया है, सफाई भी है, पहले सफाई नहीं होती थी बिल्कुल भी। मदर डेयरी में क्या भाव है भाई प्याज? भाई साहब बात कर सकते हैं आपसे? भीड़ हो जाती है जान जाते हैं। प्याज क्या भाव है? 49 रुपये। 1 रुपये कम बाजार से? बाजार में 60 है ये प्याज। 50 दिए अभी हमारे कैमरे पे लिए 50 लोगों ने। चलो कोई नहीं, विज्ञापन तो हो ही गया। 1 रुपये भी कम ही है आपका तो। वैसे क्या होता है 1 रुपये खुला देना पड़ता है वापस? नहीं प्याज दे देते। 1 रुपये का प्याज बहुत बड़ी गणित चाहिए। ये बताओ दिल्ली में अब जैसे अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार बन गई, भारत सरकार, केंद्र सरकार में, दिल्ली के फिर से चुनाव आने वाले हैं 6 महीने में, फरवरी में चुनाव हो जाते हैं, क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली में तो सर आम आदमी ही रहेगी, क्योंकि आम आदमी का एक तो आम आदमी जो है आप आम आदमी से पकड़ में अच्छी है, और जैसे हमारे विधायक जी हैं या उनके कार्यकर्ता हैं लोगों के संपर्क में अच्छा रहते हैं। काम कौन है विधायक यहाँ से? अजय दत्त जी। काम कुछ किए? काम बहुत है, रोड का आए दिन कोई ये रोड बन रही, कोई मतलब कोई ना कोई इधर उधर कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत बढ़िया करते हैं इस मार्केट के लिए भी बहुत काम करते हैं। एक बार इस मार्केट में एक बार कमेटी आई थी, बिल्लू जी सामने लेट गए थे कमेटी वापसी करने के लिए, मतलब काफ़ी कमेटी वापसी करवा दी, काफ़ी लड़ाई लड़ी। मतलब जैसे रोड MCD जो आती है तोड़ने के लिए वापसी करवा दी, लड़के बिल्डोजर से लड़के काफ़ी युद्ध करते हैं। रेडी वालों के जो पुलिस के लिए कोई पैसा वैसा नहीं जाने देते, मतलब बहुत व्यवस्था करते हैं। जैसा कोई भी पहुंच जाता है कि भाई ये नाला बंद हो गया, गटर बंद हो गया, या प्लस कोई भी काम हो गया, सारा काम बहुत बढ़िया करवाते हैं। अच्छा मतलब वैसे पुलिस पैसा मांगा करती थी? हाँ वो सब बंद हो गया जब से आप पार्टी आए, जब से जैसे विधायक जी के पहले ये रोड काफ़ी जाम रहता था, मतलब काफ़ी खराब थी रोड भी, बहुत विधायक जी के पहले रोड भी टूटा हुआ था, अच्छा हुआ यहाँ पे नाले सब पूरे। तो आपके हिसाब से विधायक जी को 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए? 10 के 10। हमें तो 10 से 10 में देते, पूरे 10 के 10 विधायक जी बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो नेता होने चाहिए है, मतलब हर आदमी को सुनते हैं, मतलब कोई भी आदमी दुकानदार पहुंच जाए और एक बार चाय भी हो या नाश्ता भी कर रहे हो जब भी बुला लेंगे हम, तो जब भी कोई काम हो जाता है उसके अंदर थोड़ा वो आ जाता है, ईगो आ जाता है कि आम आदमी से मिलता नहीं, मगर विधायक जी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ भी आएंगे तो एक आम आदमी की तरह आते हैं। पैसा देते हैं प्याज लेते हैं तो? प्याज लेंगे तो पैसा देंगे भाई, उनके कार्यकर्ता आते वो सारे पैसे देते हैं, विधायक जी मतलब वो ऐसा कुछ नहीं है हमारा, पैसा सब देते हैं। मतलब दिल्ली में तो अम्बेडकर नगर सीट निकल लेंगे बहुत अच्छे चांस है। नहीं हम तो हमारी तो डेरिया पूरी दिल्ली, हमको तो लगता है पूरी दिल्ली में भी केजरीवाल सर पूरी तो नहीं आई, कम से कम तो आना चाहिए साथ में, कम से पहले तो पूरी साथ दिल्ली में पूरा बहुत सारी चाहिए, हम ये चाहते हैं। नहीं जैसा भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल में जाने से उनकी कुछ छवि खराब हुई है, ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है जी, सभी तो देश को राजा को पटक दिया, जबरदस्ती पटका हुआ है, तो क्या चीज है? दो साल रह गए उनका कुछ निकला? वो तो पब्लिक को पता लग जाता है कि जब वोट 4 तारीख खुले 2 तारीख उनको जेल में डालने, ये 50 सीट 7 सीट क्यों गई, अंदर क्या हुआ क्या पता है? वो खुद पता होते तो कुछ बताते, आप कुछ किसी को पता लगा है कि 7 सीटों को हुआ क्या? इतनी सारे वोटें पड़ी थी, हम लोग खुद देखते हैं गलियों में, लोग वोटें आम पार्टी को दिखाए, आम पार्टी को, वो वोटें गई कहाँ? तो सफल वाले तो भाई आम आदमी पार्टी को सफल बना रहे हैं। चलो कोई नहीं, नंबर कितने दोगे उनमें? नंबर तो याद होंगे 10। तो खैर उनपे पूरे काम करने इच्छा करने का। अजय दत्त नाम है उनका? तीसरी बार के विधायक है, दूसरी बार के? बिल्कुल आ सकते हैं विधायक। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8 तो हैं, 10 के 10 तो नहीं देंगे, 10 में से 8 तो है। कभी काम वाम पड़ा आपको उनसे? नहीं, कभी अगर ऐसे कुछ समस्या होती है जाते हैं तो सुनवाई हो जाती है। मिले थे कभी? हाँ एक बार गया मैं, पड़ी थी मुझे जरूरत तो मिल गए थे ऑफिस में। काम हुआ? काम हुआ।
कितनी सीटें जीत रही है इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में? पिछली बार 70 में से 62 सीटें आई थी। अब क्या कुछ तो होगी थोड़ी बहुत, 70 में से मतलब क्या पिछली बार की तो नहीं, एक कम होने चांस है क्योंकि एक तो थोड़ा सा ये चक्कर पकड़ाना के जो भ्रष्टाचार के चक्कर में तो कुछ तो कम होने लेकिन आने तो केजरीवाल जी इसमें तो नो डाउट, लेकिन यहाँ सीटें कुछ कम होने के चांस है। यहाँ से अम्बेडकर नगर से कौन जीत रहा है? यहाँ से तो आनी है, देखो अजय दत्त जी तो है ही है लेकिन जो वोट जाता है सीधा वो केजरीवाल जी के लिए जाता है ऐसे देखा जाए सही तरीके से, क्योंकि लोग देखते हैं मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, अजय दत्त जी अच्छे हैं बिल्कुल लेकिन जो वोट जाता है सीधा वो केजरीवाल जी के लिए, तो मुख्यमंत्री के रूप में तो आना ही होता है। वैसे व्यापार वगैरह कैसा है इस समय? कृपा हो रही है महात्मा की, कृपा भगवान की। चलो ठीक है, तो बेसिकली ये जो अम्बेडकर नगर है हमेशा से तीसरी बार के विधायक हैं अजय दत्त जी ना, ये दूसरी बार के? तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार आएंगे। ठीक है, सामने भाई साहब से बात करें, कैलाश ज्वेलर्स से आपकी बहुत बोलचाल है। दिल्ली में 6 महीने बाद चुनाव है, क्या माहौल है, कौन जीतेगा? तो हमारे आम आदमी पार्टी है, टोटल आम आदमी पार्टी सब जी। फिलहाल तो यही है, बाकी कौन है विधायक? अजय दत्त जी है। 10 में से कितने नंबर दोगे उनको? 100 में से 100 है। अच्छा, कोई मम्मी है आप? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ दिल्ली में केजरीवाल सरकार को लगभग 10 साल से ज़्यादा 10 साल तो हो ही जाएंगे, पहली सरकार तो 50 दिन भी नहीं चली थी। अच्छा ही काम कर रहे हैं वो तो समझ गए। अच्छा अच्छा कर रहे हैं तो आप बहुत दुख आ उनको जेल में करा ना तो बहुत दुख हमें, तो ये काम अच्छा नहीं करा जेल में डाल के, लड़ो ऐसे लड़ो, जेल में डालने से क्या मिला, कुछ मिला कुछ नहीं मिला, अच्छा ही काम करा, पानी के बारे में बिजली के बारे में अच्छा ही करा, अब आगे के हम कह नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो सरकार ही जानती है क्या करना है क्या नहीं करना है। पर इस टाइम तो जब 2 दफ़े जीते तो काम अच्छा ही करा, गए कुछ कहने के लिए तो उन्होंने सुनाई भी करी है विधायक जी ने, अजय दत्त जी ने। अच्छा क्या मिला जेल में डालने से पहले ही बताओ, कुछ मिला? अपन दोनों में मनमोटाव हो गया ना, ये चीज़ गलत है, सब एक बन के रहो बस, दोनों जन क्या ना जनता को संभालो, कोई गरीब अपना मैसेज देके जाता है उसको सुनो, उसका दुख दर्द समझो, बस यही चाहते हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से अगली सरकार केजरीवाल सरकार बन रही है फिर से? बने हमें बहुत खुशी है, हम तो प्रसाद चढ़ाएंगे भगवान के। हाँ। हम अच्छा। तो जिसको मानते हैं हम तो उसी को याद करते हैं, बाकी हमारे लिए सभी अच्छे हैं। अब हम कहते हैं जो इतने साल तक वो रहे हैं उनको ऐसा करा तो ये गलत करा, सही नहीं करा, बस इतना ही, बस भगवान को जीता है हम तो ये कहते हैं। हाँ ठीक है माता जी, अजय दत्त जी हमारे बेटे हैं और केजरीवाल भी हमारे बेटे हैं और सभी हमारे भाई हैं, सभी बेटे हैं, राजस्थान से हो तो ऐसे राजस्थानी व्यक्ति कोई आपके साथ हो यदि सामने हो तो आप उसको पहचानोगे नहीं? आपने कभी देखा नहीं राजस्थान से यदि रह रहे तो? 70-80 साल हो गए यहीं पे, दक्षिण बसी है ना। हाँ। तो इनको पहचाना आपने? नहीं पहचाना, आपसे पूछूंगा। अरे यार माइक तो आवाज़ तो आनी रही होगी, मैं ही भूल गया। पहचाना कि नहीं पहचाना उनको? नहीं पहचाना, जब तो आपसे पूछ रही हूँ, कोई नेताजी आए तो मुझे पता। नेताजी को नेताजी लग रहे, मैं तो सबको नेताजी, आपको भी नेताजी समझते, इनको भी समझते। नहीं वो आपने बोला ना कि वो आपको अजय दत्त जी मिलते हैं तो आपको माताजी बोलते हैं ऐसा, तो इन्होंने कभी माताजी नहीं बोला आपको? मैं कह रही हूँ अभी देखो अजय दत्त जी हैं, ये अजय दत्त जी हैं, पहचाना माताजी? चश्मा चश्मा उतारो, थोड़ा ध्यान से दिखेंगे। नहीं दाढ़ी असली है कि नकली है कुछ पता चल रहा है? राजस्थानी को नेताजी आए तो आज हमारे साथ चले हैं जनता के विचारों को सुनने, जनता का मिजाज पर देखने, भेष बदल के पता चलना चाहिए ना जनता पीछे क्या बोलती है, कौन क्या बोलता है, कोई गाली दो कोई प्यार करते कोई आशीर्वाद देते हैं, सब एक से नहीं है। मैं तो अपनी मैंने बता दी और दूसरे की मैं कह नहीं सकती। कब मिली थी आप इनसे आखिरी बार? आखिरी बार मिली थी मैं जब नारायण थोड़ा सा जंगल की पेंशन बनाई थी ना, पेंशन बनी थी, कब की बात है?
इतना तो मुझे भी याद नहीं, कुछ बीपी हो समझ गए। कोई हादसा हमारे घर में ऐसे ही हो गया तो मैं थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा याद है कि ये विधायक कौन है, पहचान लिया गया मैं जान से। चलो ठीक है, ठीक है बात है, आ जाओ भाई। अरे ये तीन चार लोग बैठे हैं, मुझे लग रहा है कपड़ा बेचने की वेट कर रहे हैं, वो कपड़ा वालों से बात कर ले इससे पहले कि बारिश बढ़ जाए। भाई साहब आप सिलते हो कि या बेचते हो? अच्छा, और कैमरे पे बात कर लेते हो? कर लोगे तो आ जाओ यार एक बार। ठीक है, माहौल तो जी अभी तो हम स्पोर्ट्स के बालक हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बालक हैं। स्कूल में कैसा, कुछ कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कॉलेज, आई एम कॉलेज। स्कूल कहाँ से पास आउट किया? अपने इधर अपने पास के ब्लॉक से। सरकारी स्कूल से? हाँ, स्कोर्ड विद्यालय से। कुछ फर्क पड़ा स्कूल में? स्कूल में काफी फर्क है, पहले से तो काफी है, चेंजेस हैं। स्कूल की डेस्क हैं और से काफी सारे स्पोर्ट्स भी, एक्टिविटीज भी होती हैं। आप लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हो? जी, काफी पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में हो? 10th स्टैंडर्ड। 10th में मुझे आ गई तुम्हारी? आप क्या? अरे अपनी है, असली है, कोई उधार की थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं। कैसा कुछ स्कूल में बदलाव आया? हाँ, बहुत बदलाव आया, बहुत डेवलप हुई है स्कूल। तो जैसे अब यदि आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में स्कूलों में काम किया, हाँ, तो आप लोग पेरेंट्स को बताते हो कि भाई वोट डालने के टाइम पे उनको वोट डालना? हाँ। सरकार किसकी बन रही है अगली? सरकार 6 महीने बाद चुनाव है, लग रहा है केजरीवाल की बनेगी। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? वैसे तो केजरीवाल जीतना चाहिए। केजरीवाल जीतना चाहिए, ऐसा क्यों? काम करे उनके विधायक? बढ़िया करते हैं। कौन है विधायक यहाँ से? उधर गए, इधर की देखा आपने? नीचे तो जी है, अजय दत्त ही है। अजय दत्त ही है? अरे भाई, आपके हिसाब से अजय दत्त जी को कितने नंबर देने चाहिए? 10 में से? तो केजरीवाल को देखो जी, बिजली फ्री, पानी फ्री, पेंशन मिल रही है गरीब आदमियों को, दवाई मिल रही है गरीब आदमियों को, और क्या चाहिए गरीब आदमी को? गरीब आदमी को तो 2 रोटी मिलनी चाहिए, पानी बिजली का ही मिल जाए वो भी बहुत खुशी की बात है। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल काम ठीक है उनका? काम कभी काम बड़ा आपको उनसे, अजय दत्त जी से? हाँ, कभी काम पड़ता है तो करते हैं। मिले हो कभी? हाँ, यहाँ जाते रहते हैं। पहचानते हो उनका? अच्छे से पहचानते हो? हाँ, भीड़ में मिल जाएंगे तो पहचान लोगे? हाँ, काम बढ़िया करते हैं। भाई साहब आप गुस्सा मत करो, नहीं नहीं, तो बच्चे तो करते रहेंगे। ये बताओ, दिल्ली में 6 महीने बाद चुनाव है, वोटिंग होगी, सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार हमें तो, हम लोगों को तो यहाँ फैसिलिटी बीजेपी, तो बीजेपी तो कोई दे नहीं रही है, ये आम आदमी पार्टी हमारे जो भी करता धरता यही है। तो आम आदमी पार्टी से विधायक कौन है यहाँ पे? कुछ अजय दत्त जी हैं सर। बहुत बढ़िया है जी। सब अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक हैं यहाँ पे? पूरा मोहल्ला ही? केजरीवाल जी की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो विधायक है उनकी बात है। अच्छा, अच्छा करते हैं, हम तो उनसे सपोर्ट। तो क्या आपके हिसाब से उनको कितना नंबर मिलना चाहिए? कितना नंबर मिलना चाहिए उनको उनके काम करने? यदि आप रिपोर्ट कार्ड दोगे तो 10 में से कितना नंबर दोगे? 10 में से 10 ही है, जिस तरह हमारे मोल की, हमारे मोहल्ले के हिसाब से ना काम कराने की जरूरत नहीं, काम हो जाता है, काम हो जाता है। पहले में क्या और अभी में कितना बदलाव है? जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी उससे पहले क्या होता था? पहले में तो आप में बहुत फर्क है, हमें जाना पड़ता था कंप्लेंट कराने के लिए, टाइम लगता था। अब टाइम हमें काफी टाइम हो गया, जाना भी नहीं पड़ता। कैसे, फोन पे होती है बात? फोन पे भी जाती है। तो हम लोग इस भदवा मार्केट में आ जाके लोगों से पूछ रहे थे, 165 वार्ड है ये मदनगिर, है ना, तो यहाँ पे विधायक जी का क्या रिपोर्ट कार्ड है? विधायक जी ने कुछ काम करवाए उनके, आपके हिसाब से उनको कितने नंबर मिलने चाहिए 10 में से? 10 में से? हाँ, 10 में से 10 तो मिलने चाहिए कम से कम। 10 में से 10 ही मिलेंगे, कम करेंगे फिर तो पूरे ही होगा, पूरे ही मिलेंगे। तो ऐसा है ना, क्या मतलब, क्या ऐसा काम करा जो आपने? हाँ, सारा ही काम मतलब करवाया है। अभी पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी गेट है ना नहीं थे, तो सबसे पहले गेट है ना हमारे यहाँ पे सेट, गेट लग गए सारे, ठीक है। रोड की सफाई वगैरह सारा काम है, सुबह 6 बजे हम जगते नहीं, उससे पहले झाड़ू है ना तैयार हो जाती है, ठीक है ना जी। उसके बाद फिर पानी की सुविधा अच्छी है यहाँ पे, लाइट की सुविधा अच्छी है, बढ़िया है, राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, और बीमार वगैरह आदमी जैसे होते हैं तो मोहल्ला जो दिल्ली में खाई है मतलब खोले हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए इनका अच्छा काम है, बढ़िया। बैठ जाए आपके साथ। गली ये मदनगिर पड़ेगा खानपुर, गली नंबर 25, 25 फ्लैट मदनगिर।
डीडीए फ्लैट्स। अच्छा, तो ये जो गली है ये खुदी उदी पड़ी है, ये क्या काम चल रहा है या काम हो गया है? काम क्या हो चुका, काम हो गया, विधायक जी ने काम किया है। और मैं तो कह रहा हूँ जो काम उन्होंने कर दिया ना, किसी और विधायक तो कर ही नहीं सकता है, ये तो मैंने देख लिया। अच्छा ठीक है, ये पहले बताइए कि क्या काम है? ये हमारे पानी नहीं आ रहे थे, पीछे पानी की लाइन डल रही थी। हाँ, पानी पीछे पानी नहीं आ रहे थे, ये 6-6, 12 घर, 24 घर एटलीस्ट, 24 और ये मिला के, बट वो आगे तक आ रहे थे तो पीछे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। फिर हम लोगों ने उनके पास गया, मतलब तो आगे तक लाइन और पानी आ रहा है, तो इधर पे लाइन नहीं था तो पानी आ भी नहीं रहा पीछे, तो हमने विधायक जी के पास गए तो उन्होंने तो बड़ा हम्बल, क्या बोलूँ, मतलब इतना अच्छा वेलकम किया हमें, हमें उस चीज़ को मतलब बोल नहीं सकते। तो मैं कई बार गए हैं तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ पानी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर हमें एक दिन विधायक जी ने रात को 9 बजे आ गए, हमारा समस्या सुन के हमारे साथ बैठे और जल बोर्ड का जई जी को भी बुला लिए, उनको समझाया नहीं इनकी पानी का बाकी में प्रॉब्लम है तो इनका पानी का लाइन डाल दो। तो फिर उसके बाद हमने एक बार दो बार और गए थे विधायक जी के पास, वहाँ पे तो इतने अच्छे हमें मतलब उनकी वहाँ का जो स्टाफ इतनी अच्छी है, सुनना है चाय बहुत अच्छी बनाता है वो भाई, चाय बिल्कुल बनाते हैं, सब चाय बढ़िया, एकदम चाय अच्छी थी, बढ़िया चाय, फील नहीं होते हैं कि हम किसी मतलब विधायक मतलब एमएलए से मिलने आए इस तरह से। अब उनके साथ मिलना तो मतलब क्या बताऊं मैं, मैंने पहली बार मतलब ऐसा विधायक देखे हैं, डाउन टू अर्थ बंदे हैं, वैसे पहली बार मैंने ऐसे विधायक देखे। आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए उनको? 10 में से तो आप 25 दे दो, 25 नहीं दे सकते, नहीं दे सकते तो अलग बात है, पर 10 तो उनके लिए पॉइंट ही कोई वैल्यू नहीं, 10 में से 10 ही देना चाहेंगे। मैं तो ये बताऊं भाई साहब आपका क्या कहना है इसके ऊपर, ये जो इन्होंने कहा ये सच है झूठ है? ये सच है भाई साहब, पानी की बड़ी दिक्कत होती थी। आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए विधायक? 10 में से 10 ही मिलने चाहिए भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार को कितने नंबर मिलेंगे? अपनी आवाज में बोलो, ओरिजिनल में, इतना क्यों शर्मा रहे हो आप? 10 नंबर मिलने हैं। आप पहचाने भाई साहब इनको? अरे कैमरामैन फोकस करो यार, एक्सप्रेशन छोड़ देते हो यार। सच्ची वाले, सच्ची वाले हैं, कोई भाई भतीजे तो नहीं उनके? एक बार चश्मा उतारो तब पहचानेंगे लोग ठीक से। भाई साहब 2000 रुपये खर्चे किया मैंने मेकअप पे, फिर भी पहचान लिया आपने। माँ हमारे मेकअप वाले के नंबर कट गए। ये बताओ कि दिल्ली में 4.5 साल से केजरीवाल सरकार, बल्कि 9.5 साल से केजरीवाल सरकार है, 6 महीने बचे हैं, चुनाव दोबारा आ रहे हैं, 10 में से सरकार को नंबर कितने दोगे आप, ईमानदारी वाले, सच्ची वाले? ईमानदारी वाले हम 8 नंबर देंगे। आप 8 दोगे? 8 नंबर। विधायक यहाँ से तीसरी बार के चुने हुए हैं अजय दत्त जी, विधायक को तो 10 में से 10 नंबर देंगे, क्योंकि ये इतने बढ़िया विधायक हैं, हमारे हमारे जो है लोकल काम जितने भी होते हैं इनके थ्रू ही होते हैं, चाहे बिजली का काम हो, चाहे पानी का काम हो, और जो भी कुछ साफ सफाई का काम हो, जो सारे काफ़ी एफर्ट्स लेके हम जाते हैं, मिलते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, हमें आधा एक घंटे का टाइम भी देते हैं, हमारी बात सुनते भी हैं और हमारे काम भी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, ये हमने देखा है। हमने इससे पहले भी कई MLA देखे, चौधरी प्रेम सिंह भी देखा, उससे पहले भी कई 50 साल तक चौधरी प्रेम सिंह रहा, वो उसकी एक ही खासियत थी, वो कहता था मैं तो सोया हुआ शेर हूँ, मुझे आके ऐसे ऐसे हिलाओ तब मैं कुछ काम करूँगा, मेरी मर्जी होगी तो करूँगा, नहीं होगी तो नहीं करूँगा। ये कम से कम ऐसे तो हैं जो ये कहते हैं कि मैं, मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं काम करने को तैयार हूँ। भाई साहब आपके हिसाब से प्लस पॉइंट, देखिए मैं 10 में से कितने नंबर मिलने चाहिए सरकार को पहले तो? मैं 9 दूंगा और अजय जी को आउट ऑफ 10 पर 10 दूंगा। ये बहुत ही जेंटल और बहुत ही अप्रोचेबल आदमी है, हमें कोई भी दिक्कत होती है तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है हमें, इनके अंदर कोई गवर्न नहीं है। मैंने तो अभी तक काफ़ी एक्सपीरियंस किया है काफ़ी नेताओं को, मैंने देखा कि बहुत इगोस्टिक होते हैं, बट ही इज़ वेरी जेंटल गाई, अप्रोचेबल है, जनता की बात सुनते हैं, अपने एरिया के लोगों की बात सुनते हैं, एंड रियली मैं तो सपोर्ट करता हूँ उनको। भाई साहब 10 में से 8 नंबर सरकार को और 10 of 10 अजय दत्त जी को, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं, जो हम अपने एरिया में जाते हैं, एक लोकल आदमी को मैं देख रहा हूँ, लोकल आदमी जा रहा है, वह अपनी समस्या को बता रहा है, काम करवा रहे हैं, काम भी करवा रहे हैं और उसको खुद खड़े होकर मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी टीम को भेज रहे हैं,
कि आप जाके देखो कि काम किस टाइप का काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है वहाँ पर। फिर एक एरिया में आ रहे हैं, पर्टिकुलर लोगों से मिल रहे हैं वहाँ पर, हर एक घर में जाके पूछ रहे हैं भाई लोग आप कहाँ रहते हो, आपके आसपास क्या काम हुआ, एक दो काम बताओ। बहुत सारे काम अजय जी के, एक दो का काम बता दो, मेन जो काम। रोड है, बिजली है, पानी है। यहाँ पानी की समस्या सालों से थी, वो सिर्फ अजय जी ने कराई है। यहाँ बिजली की समस्या थी, वो सिर्फ अजय जी ने कराई। क्या बिजली की क्या समस्या थी सर? यहाँ बिजली के लाइन्स वगैरह सब ओपन थे, स्ट्रीट लाइट नहीं थी सर यहाँ पर। एक एक खंबे पे तीन तीन लाइटें लगी हुई अजय जी के द्वारा कराई गई है। इवन इनिशिएट तो जो लेना अपने एक एमएलए का तो लेते लेते हैं, और जो उनसे आगे बढ़ के भी हो सकता है। ऊपर का सर ये ड्रेन बनाया, नाला बनवाया इन्होंने, मेन रोड का नाला जो है, सारा पानी हमारा गली के अंदर आता था, नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती थी, उन्होंने नाला बनवाया स्पेशली, और ताकि जब रोड का पानी रोड के ऊपर रहे, हमारी गली का पानी गली के अंदर, ताकि घरों में पानी ना घुसे। तो आज है हमारे साथ विधायक अजय दत्त जी। इनके बहुत सारे एरियाज में हम गए, हमने दो या तीन वार्ड, दो वार्ड हमने कवर कर पाए। हम बहुत बारिश थी आज, लेकिन फिर भी हम दो वार्ड में लगभग मुझे लगता है हमने 20 लोगों से बात की होगी। और मोटे तौर पर मेरा आकलन है कि लोग खुश हैं, और जो लोग खुश नहीं है वो भी नाराज़ नहीं है। वो ये कहते हैं कि भाई हमें लगता है और काम करना चाहिए, और काम करना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ासतौर से गर्मियों में पानी का इशू बहुत ज़्यादा रहा है, बारिशों में सीवेज का एक इशू बहुत रहा है। मैं अजय दत्त जी से ही पूछना चाहूँगा कि दो समस्याएँ ऐसी हैं जो दिल्ली वालों को, जिसके बारे में जानने के लिए कौतूहल है, और वो ये कि गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और बारिश के मौसम में सीवरेज का भर जाना, इसके लेके क्यों आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी का 10 साल का काम देखें तो पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने सबसे ज़्यादा, आज दिल्ली के इतिहास में आज़ादी के बाद से अब तक सबसे ज़्यादा पानी की लाइनें डाली, और करीबन 2000 नई कॉलोनियों में पानी की लाइन डाली और सीवर की लाइन डाली। मैं अपने एरिया में खुद आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर एक गली में पानी की और सीवर की लाइन डाल दी। खानपुर एक वार्ड हमारा जो प्राइवेट कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पानी नहीं था, वहाँ टैंकर माफिया था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर पानी की लाइन डाल के और पानी घर घर पाइप से पानी दिया है, और टैंकर माफिया को ख़त्म कर दिया। और उस समय मुझे टैंकर माफियाओं ने जान से मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन ये धमकियों को अलग हटाते हुए हमने सबको पानी दे दिया। वहाँ पे सीवर नहीं था, प्राइवेट सीवर था, वो हमने सारा कई जगह तो सीवर ही नहीं था, सोपते बने हुए थे घरों में, तो सब जगह सीवर डाल दिए। पिछले 1.5 साल से अगर आप देखें दिल्ली की जल बोर्ड को, तो 1.5 साल से बार बार साजिश कर करके जल बोर्ड के पहले फंड्स रोके गए, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी पेमेंट रुकी गई। कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि आप पेमेंट दे दो, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी जल बोर्ड के अधिकारी को पेमेंट दे दो। उनकी पेमेंटें करते करते भी पिछले 2 महीने में उनको 20% 30% करके पेमेंट दी गई है। और सीवर पे स्पेसिफिकली पिछले 1 साल से जो सीवर साफ़ करने वाली लेबर थी उसको हटा दिया गया। अब वो लेबर हटा दी गई, सुपर सकर मशीन थी जो डीसील करती थी सीवर्स को, वो हटा दी गई। अब उसी की बात कर रहे हैं जो वीडियो सौरभ भारद्वाज जी ने मीटिंग की जाहिर की थी, जिसमें अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए जा रहे थे कि आपकी काम करिए, और वो फिर भी मीटिंग में चलने के लिए कहा जा रहा था पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी को, और वो जाने से मना कर रहे थे, टाइम देने से मना कर रहे थे। आप उसी टॉपिक पे आ रहे हैं? मैं उसी टॉपिक पे भी आ रहा हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ कि ये दिल्ली के अंदर हर विधानसभा में पानी का और गर्मियों में इन्होंने पानी ख़राब किया, पानी कम कर दिया, पानी डाइवर्ट कर दिया, पानी गंदा कर दिया हरियाणा से केमिकल छोड़ छोड़ के। जब पानी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी इंटरवेंशन किया और बरसात आ गई तो मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ा, तो अब पानी की स्थिति ठीक है। मेरी विधानसभा में मैंने करीबन 100 से ज़्यादा ट्यूबवेल लगवा दिए, क्योंकि यहाँ पानी की किल्लत होती थी, पानी पीछे से कम आता था, तो उसका सोल्यूशन ये निकला कि ट्यूबवेल लगा दो, तो जगह जगह यहाँ अच्छा पानी है, 150 फुट पे, 150-200 फुट पे पानी मिलता है, और उससे मैंने उस प्रॉब्लम को टैकल किया और टैंकर माफिया को ख़त्म कर दिया। सीवर की समस्या का निदान अभी कोशिश कर रहे हैं, रोज़ लड़ रहे हैं। मैं कई बार
चीफ से मिल के आया, कई बार सीओ से मिल के आया जल बोर्ड के, और तमाम मैंने हमारी जो मंत्री साहब हैं उनके साथ मीटिंग की, कई बार उन्होंने डायरेक्शन दी, लेकिन ये सीवर वाली समस्या भी टैकल नहीं हो पा रही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लड़ने झगड़ने के बाद अब जाके कहीं आम आदमी पार्टी उनको टैकल करने की कोशिश कर ली है। और ये दिल्ली की जनता देख रही, पिछले 9 साल में आज तक सीवर की कभी समस्या नहीं थी। तो आप क्या मुद्दे लेके फेस करोगे? देखिए, अंबेडकर नगर अगर आप देखें तो इसमें जे क्लस्टर भी हैं, रिहेबिलिटेशन कॉलोनी है जहाँ हम बैठे हैं दक्षिणपुरी मदनगिर, जहाँ 20 गज 22.5 गज के मकान हैं, डीडीए फ्लैट जहाँ 40 गज के मकान हैं, खानपुर गांव है, खानपुर बहुत बड़ी कॉलोनी है जहाँ 100 गज से लेकर 500 गज के मकान हैं, और पुष्प विहार जो कि गवर्नमेंट कॉलोनी, तो ये बहुत अलग अलग डेमोग्राफी की कॉन्स्टेंसी है। तो यहाँ पे लोअर क्लास मतलब पुअर, लोअर मिडल, मिडल एंड अपर मिडिल क्लास, 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग दिशाओं में काम किया गया है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम करना चाहिए, एक तो शिक्षा पे। अगर मैं आप पास्ट की बात करूँ तो मेरे यहाँ 17 स्कूल होते थे, जिनमें से सुबह और शाम इवनिंग मॉर्निंग के स्कूल चलते थे, और मैंने मनीष सिसोदिया जी से बात करके, जब वो शिक्षा मंत्री थे उस समय, मैंने उनसे काफ़ी डिस्कस किया कि यहाँ के स्कूलों को हमें बदलना है। तो ऑलमोस्ट 90% स्कूल हमने कोएड कर दिए, और बॉयज़ के स्कूल भी हमने मॉर्निंग के कर दिए, अभी सिर्फ एक स्कूल है जो भी इवनिंग में चलता है। तो ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो अम्बेडकर नगर की शिक्षा में हम कर पाए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे शिक्षा मंत्री साहब को, मनीष सिसोदिया जी को और अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज अम्बेडकर नगर के सरकारी स्कूल 10वीं का रिज़ल्ट मोस्टली 95% स्कूलों का 100% है, और 12th का भी 100% है। ये अपने आप में एक इतिहास कहलाता है कि जहाँ पर 50-60% से ज़्यादा रिज़ल्ट कभी 10वीं 12वीं का आता ही नहीं था, आज वो रिज़ल्ट 100% आ रहा है। दूसरा जो बड़ा कार्य मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज तक यहाँ मेट्रो नहीं आई, तो पिछले वाले कार्यकाल में जो अभी चल रहा है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मिल के ये रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे मेट्रो लेके आए, उन्होंने बजट पास किया, और मेट्रो का काम आप देखेंगे अगर खानपुर से बदरपुर से और मेहरौली तक की एक मेट्रो बन रही है। तो अंबेडकर नगर में कहीं भी पहले मेट्रो नहीं थी, तो ये एक मेट्रो बन रही है। दूसरा प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं जो पुष्पा भवन से होती हुई, पुष्प विहार के अंदर से होती हुई और साकेत मिलेंगी, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ की जनता के लिए हम कार्य कर रहे हैं, जिससे कि पूरी दिल्ली के अंदर ये जो मेट्रो का नेटवर्क है उससे हमारे अम्बेडकर नगर को जोड़ा जाए। और अभी हाल ही में मैंने हमारे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से मिलके और लिखित में भी उनको एक संदेश दिया है कि अम्बेडकर नगर से के अंदर ज़्यादा क्लस्टर बस की ज़रूरत है, यहाँ से क्लस्टर बस बने और यहाँ से जाके जितने भी हमारे आसपास के मेट्रो सेंटर हैं वहाँ तक जाके बस की आवाजाही शुरू हो, जिससे कि यहाँ की जनता को और सुविधा हो और वो मेट्रो तक इजीली जाके अपने कामकाज अच्छे से कर पाएँ। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि हमने 600 बेड का हॉस्पिटल बनाया है, तो उसमें अभी हमने जच्चा बच्चा वार्ड शुरू कर दिया है, वहाँ पर डिलीवरी हो रही है और हमने फिजिशियन बिठाए हुए हैं, जो उसके बाद हम अब उसको हॉस्पिटल को और एडवांस करने जा रहे हैं। उसमें भी हम ऑर्थोपेडिक्स लेके आ रहे हैं, उसमें हम आगे जाके और कुछ हार्ट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स लेके आना चाहते हैं। तो इस 600 बेड के हॉस्पिटल को और अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश है, जिससे कि यहाँ की जनता को हेल्थ में उनके स्वास्थ्य के लिए सारी वो सुविधा मिले जिसके लिए उनको एम्स जाना पड़ता है, जहाँ एम्स में घंटों या कई कई दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है, उससे उनको निजात मिल जाए, या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये मेरी 3-4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो अम्बेडकर नगर के लिए मैं करना चाहता हूँ। एक सज्जन से हम बात कर रहे थे, आपके सुन रहे थे साथ में हमारे, उन्होंने बोला कि जब वो भी
26 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन मंदिर में गए तो आप भी वहाँ भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े मिले और शायद सिर्फ आपका उनके साथ बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि बहुत भीड़ हो रही होगी उस दिन, लेकिन आपको उससे संपर्क रहा होगा। तो ये कब आपकी ज़िंदगी में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ और अभी क्या भगवद गीता में जो आपकी आस्था है, यदि है तो भगवद गीता में यदि आपकी आस्था है तो आप उसको किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डाल रहे हैं? देखिए कृष्ण मेरे ईष्ट हैं, है ना, उनसे जीवन में जो मिला है उस तो अल्टीमेट है, उसको तो कुछ कह नहीं सकते। और भगवद गीता मेरे जीवन का आधार है क्योंकि भगवद गीता में साफ साफ लिखा है कर्मण्येवाधि करस्ते मा फलेषु कदाचन, जब जब आप कर्म करोगे वो तब तब आपको फल देगा, उसकी इच्छा ना करो। तो उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। और दूसरा भगवद गीता का 18वें अध्याय का 67वां श्लोक, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरण व्रजम अहम तुम सुपापे भी मोक्ष से यामि मसूचे, इस संसार में सभी धर्मों को त्याग कर मुझे अपने आप को समर्पित कर दे, मैं तुझे इस संसार के जितने भी बंधन हैं, जितने भी दुविधाएं हैं, जितने भी कष्ट हैं, उनसे निकाल दूंगा। अब क्योंकि मैं कृष्ण को इष्ट मानता हूँ, कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मेरे नाम को मानो, जिस भी नाम से तुम मुझे जानते हो बस मेरे से संपर्क में रहो और मुझे अपने साथ लेके चलो। और मेरे लिए मैं आपको एक और अपने अंदर की बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ, मेरे लिए ईश्वर इंसान के अंदर दिखते हैं। जब जब मैं इंसान की सेवा करता हूँ, जब जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करता हूँ जिसकी उम्मीद मेरे से बहुत है या जिसका कोई नहीं है संसार में, उस समय मुझे कृष्ण के दर्शन उनके अंदर होते हैं और वही मेरी असली एनर्जी है, वही मेरी असली तपस्या, वही मेरा असली, मुझे लगता है रिटर्न ऑफ माय वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मैंने किया वही मुझे मिल रहा है। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे कृष्ण हे इष्ट, जब जब हर हमेशा लोगों की सेवा में मुझे रख, लोगों की सेवा करना ही संसार का सबसे बड़ा नियम है और उससे बड़ा कोई नियम है ही नहीं। बिना सोचे या अनप्लान्ड तरीके से सही धर्म की बातचीत में और व्याख्या में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी का धर्म या धर्मावलंबन और आम आदमी पार्टी के अजय दत्त का धर्मावलंबन कैसे अलग है एक दूसरे से? देखिए वो प्रोपोगंडा रचते हैं, वो प्रोपोगंडा रचते हैं, उनकी कहनी और कथनी में फर्क है। और हम सिर्फ और सिर्फ सेवा करते हैं, अपना कर्म करते हैं और हम प्रोपोगंडा नहीं रचते। मेरे लिए किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो वो कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए वो व्यक्ति है, वो इंसान है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म है, वो मायने रखता है। और इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, वो उस इंसान में भी है, वो उस जीव में भी है, वो हर जगह व्याप्त है। तो जहाँ जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उनकी सेवा करें। तो बीजेपी का एजेंडा सिर्फ राम के नाम पे वोट बटोरना है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ काम के नाम पे लोगों की सेवा करके उनके विवेक पे छोड़ देना है कि हमने आपकी सेवा की है तो आप हमें क्या वोट दोगे, अगर हाँ तो बहुत अच्छा और अगर नहीं भी तो फिर हम आपकी और सेवा करेंगे जब तक हम आपका दिल जीत ना लें। चलिए एक भगवद गीता का श्लोक आपसे बात करते हैं, मुझे याद आया, उसी से हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। अनन्या श्रितायंतो माम ये जना पर उपास्ते तेषां नित्य वित्तानां योगक्षेम वहामेहम। मुझे लगता है कि योगक्षेम वही वहन करेगा यदि आप उसके लिए अनन्या आश्रित हैं तो, यदि वो आप सच में सर्विस कर रहे होंगे और सच में यदि खानपुर की जनता, यदि सच में अम्बेडकर नगर की जनता आपकी सेवा से प्रसन्न होगी तो भगवान आपको वापस सेवा का मौका जरूर देंगे। इसी के साथ आज के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना कंटेंट बनाने के लिए ज़रूर चाहिए होता है हमारे को। हम कर्म भी करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, लेकिन फल के लिए दरख्वास्त तो कर ही सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।